तो हेलो फ्रेंड्स, आज है संडे तो हैप्पी संडे। और आज का ब्लॉग अनूप शुरुआत करेंगे, जैसे और ब्लॉग बनते हैं ना कि ये देखो मेरी बीवी क्या कर रही है, देखो राखी क्या कर रही है। आज अनूप बोलेंगे और हम एक काम करते हुए दिखाएंगे आज के ब्लॉग में, संडे स्पेशल ब्लॉग। कुछ तो काम करें, तो ब्लॉगिंग काम हम करेंगे, ब्लॉगिंग अनूप करेंगे आज। है ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और संडे एंजॉय कीजिएगा। जमाना तो है नौकर बीबी का, जमाना तो है नौकर बीबी का। तो जमाना नौकर बीबी का नहीं है भाई, आजकल देखो बराबर के काम होते हैं, हस्बैंड वाइफ बराबर मिलकर काम करते हैं ना। तो हम आ गए किचन में और सफाई अभियान चलेगा हमारा। राशि आ गई है अब किचन में, अब सफाई करेंगी, अब सफाई अभियान चलेगा नाश्ते के बाद। और उसके बाद क्या होगा, खाना बनाएगा। क्या खाओगे आज खाने में? आज तो संडे है। हाँ, संडे हो या मंडे, और रोज खाएं डंडे और संडे में डंडे उंडे कुछ नहीं, संडे में तो और काम फैलते हैं। हम कर रहे हैं किचन की क्लीन, हमारी मेड आएगी 12:30 बजे, तब तक हम किचन वगैरह सब साफ करके डाल रहे हैं। और आज आपको एक चीज दिखाए, अब ब्लॉगिंग करनी है तो दिखाओ ब्लॉगिंग कैसे, उधर चलते हैं, चलो ब्लॉगिंग। राखी क्या क्या काम कर रही है आज? अब राखी को जरा ये जींस का सामान सब पैक करके लगाना है। तो आज हमारा तो ये सब सामान आया है, तो हम ये देखिए सब निकालेंगे। आप बताइएगा आप कौन सा ये यूज करते हैं, हम लोग करते हैं सेंसोडाइन। इसका बिल यू निकाला उसने, और मेहुल ने लिखा है आज आपका लोरियल का शैम्पू, और बाकी ये सब भरना है मुझे अभी निकाल करके, और अभी लिस्ट में चेक करूंगी, कुछ रह तो नहीं गया। अब तुम बोलो ब्लॉगिंग करो, क्या लिस्ट में चेक करना है? आज ब्लॉगिंग कौन कर रहा है, हम क्यों बोले? तो पता है फ्रेंड, ब्लॉगिंग आज, लेकिन अनूप को बोल नहीं मिलता है ना, नहीं बोल मिलता ना। तो पहले राशन देखिए आप, कितनी महंगाई हो गई है। पहले क्या था वो, कौन सा गाना है, रोटी कपड़ा और मकान का, मार गई ना, मार गई मुझे तेरी जुदाई, वो नहीं, मुट्ठी में पहले मुट्ठी में पैसे जाते थे और थैले और शक्कर आती थी, अब थैले में पैसे जाते हैं, देखिए मुट्ठी में शक्कर आती है। तो महंगाई बात पर, महंगाई महंगाई तू कहाँ से आई, मार गई तुझे मेरे, ये तो दूसरा, ये तो जुदाई मार गई भाई ना, जुदाई मार रही है। आज संडे में काम हम कर रहे हैं, और ये सब सामान निकाल के पहले सेट कर लेते हैं, और आटे का जो वो है ना, उसको हम धो करके हमेशा धोकर ही भरते हैं ये आटे का जो। और बाकी कुछ बचा तो सारी महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। तो आज हमारी ब्लॉगिंग बस यही होने वाली है। अब पता है ये लोग को बहुत पसंद है ना, लोग क्या है, ये सोयाबीन की बरी, ये इनको पसंद है। पता है हमारे अनूप बिल्कुल देखना ही पसंद नहीं करते, लेकिन हमें और हमारे बेटे को बहुत पसंद है। हम तो खाते हैं भाई सोयाबीन की बरी, और बहुत टेस्टी यम्मी लगती हैं। बताना किस किस को पसंद है सोयाबीन की बरी। और ये है नमक, हम हमेशा नमक सेना नमक यूज करते हैं। आप बताइए कौन सा नमक यूज करते हैं, और जो हमारे पिछले महीने का सामान बचता है ना, कहाँ भरा जा रहा है, ये देखिए पास से देखिए, ये सब भरा है पिछले महीने का बचा हुआ, तो इसको सब निकालेंगे, डिब्बों में भरेंगे, क्या क्या बचा है क्या क्या नहीं बचा, और ये तो हाल देख रहे हैं आप फैली, तो ये सब निकाल करके फिर ये सब समेटेंगे। बहुत काम है, बहुत काम है, रात का फैला हुआ है तो ब्लॉगिंग हो नहीं रही है। आने वाले हैं नौ दुर्गे, तो नौ दुर्गे की भी तैयारी करनी है। बाकी आज संडे है तो कहीं घुमाने ले जाते हैं, तो देखते हैं किसी से मिल मिला आएंगे, होली मिलाप करे आएंगे, अगर ले गए तब, और हमें काम से फुर्सत मिल गई तब। अभी हमें बहुत, देखिए हमारा सब पसाना फैला हुआ है यहाँ से वहां तक, ये देखो ये कहाँ आ गए हम, और तेरे साथ चलते चलते तो पकने को भी संडे को तैयार। बताइए किस किस के पति पकाते बहुत हैं और झिकाते बहुत हैं, वैसे तो बच्चे काफी हैं झिकाने को दिन भर, और संडे संडे मिलता है चालू, चलो कोई बात नहीं। तो संडे में आज हम बनाएंगे खाने में, काय की दाल बनाऊं, मटन की है, मटन
मटन की दाल, मटन की दाल की अगर रेसिपी किसी को आती हो ना तो मुझे जरूर बताना कि मटन की दाल होती कौन सी है, ठीक है ना, जरूर बताइएगा कमेंट्स करके, तो मैं जरूर आज अपने हस्बैंड के लिए मटन की दाल बना के दूंगी, ठीक है ना। तो बताइएगा, बस ये मस्करी तो थोड़ी बहुत चलती रहती है, बाकी मैं काम में लगती हूँ। मेड मेरी 12:30 बजे आ जाती है, उससे पहले मुझे सब ये सामान पैक करके रखना है भाई, बहुत काम है। तो थोड़ी थोड़ी हेल्प कर दो भाई, पटली पे बैठेंगे, बैठने मिलता है, बुढ़ापा आ गया है। और फ्रेंड्स, हम आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कस करते जाएंगे और अपना काम करते जाएंगे। पहले तो भाई ये सामान निकाल लें और भर लें बैठ के आराम से, इसमें हमें एक घंटा लगने वाला है। ये शैम्पू देखो वापस होएगा, जब मेहुल ने हमारे हेलो शैम्पू दिलाया तो हमें ये चेंज करना है, ये नहीं मंगाया, इसका लगाया लोरियल का। तो बाकी ये सब जो सामान बचा कुचा है इसको डिब्बों में भर लेते हैं और आज संडे में बस यही सामान काम निपटाएंगे। कोई भी नहीं आया तो आज पता है हम अभी आँख में मिर्च चली गई, खुली हुई थी मिर्च का पैकेट ये हंस रहा है, हमारे आँख में मिर्च चली गई, देखो हंस रहा है खड़े हुए, क्यों कहो कहाँ चले आज, कहो कहाँ चले, जहाँ तुम ले चलो फिर भी मंजिल कहाँ, उसके आगे का आता नहीं, जहाँ हमसे मिलो, गाना नहीं आता, गाना भूल जाते हैं, उड़ जाता है बिल्कुल गाना, उड़नछू हो जाता है, ठीक है। और हम गाना डालते थे पता ब्लॉग में अपने, लेकिन उस पर आ जाता है कॉपीराइट, लोग का जब भी गाना डालते हैं। और राजमा बताना किसे किसे पसंद है, हमारे मेहुल को डेली राजमा खिलाओ, इतना पसंद है राजमा, राजमा के चक्कर में मन भर गया खा खा के राजमा। तो फ्रेंड्स, हम अपना सामान भरते जा रहे हैं और आपसे एक डिस्कस करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे लगता है ना, हम जैसे लोगों को ब्लॉगिंग छोड़ देनी चाहिए, बताइए क्यों छोड़ देनी चाहिए, इसलिए छोड़ देनी चाहिए, मेरे थंबनेल से आप समझ गए होंगे आज के वीडियो में मेरा थंबनेल क्या है, ठीक है। इतनी वीडियो लेडीज जो हम लोग सिस्टर्स वगैरह जो भी कह लीजिए ब्लॉगिंग डाल रही है ना अपनी, बिल्कुल इतनी गंदा लगता है ये सब ब्लॉगिंग में ना, करना चाहे तो हम लोग भी अपनी वीडियो वायरल रातों रात कर सकते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोग ब्लॉगिंग छोड़ देनी चाहिए, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं अपनी वीडियो पर वो बेकार है, क्योंकि लोगों को पता नहीं क्या देखना आजकल पसंद हो गया है, क्या दिखाना पसंद हो गया है। तो आप बताइएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा, जो सिस्टर्स हम लोगों की जो ब्लॉग डाल रही है, और ऐसा ही नहीं, जो मेरे साथ जिन लोगों ने शुरुआत की थी आज वो मेरी वीडियो पे नहीं आती है, लेकिन उनके व्यू और उनके सब्सक्राइबर हजारों में पहुंच गए, इसी वजह से पहुंच गए हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन आप देखिए अगर वो अपनी वीडियो में जैसे दिखा रही है, आपने देखा होगा खाना खाते की वीडियो डाल रही है, मान लीजिए तो गाउन में ही डलती है और ये कपड़े देखिए ये ऐसे करके समेट कर ये करके ऐसे करके सब गंदा गंदा दिखा करके खाना भी ऐसे खाया जाता है। मैंने उस दिन किसी की वीडियो देखी थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनको लोग जानते भी होंगे, सर में मसाज कर रही है, ठीक है, सिर में ऑयलिंग वीडियो लिखा था, तेल डालने की, हेयर में तेल डालने की वीडियो, तो तेल पड़ रहा है तो ऐसे बैठी है टांगे फैला के, यहाँ यहाँ तक गाउन चढ़ा लिए, साड़ी पहनी हुई है तो समेट करके ऐसे ऐसे, ये क्या है भाई, तेल पड़ रहा है तो उससे क्या मतलब, पूरे पैर फैला कर ऐसे गंदा गंदा दिखा करके। और ये खाने की वीडियो डाल रही है तो खाते सामने सब्जी काटने की थी, सब्जी कटिंग वीडियो, तो सब्जी कटिंग, अरे भाई सब्जी कट रही है तो इस तरीके से भी कट सकती है ना, अब हम बैठे हुए सूट में इस तरीके से भी अपना काम कर रहे हैं ना, तो वो सब समेट करके तो सब्जी भी ऐसे कटेगी, ऐसे करेंगी, ऐसे वीडियो में देखे ऐसे, तो बताइए कहाँ तक सही है। मतलब जो हम जैसे लोग मेहनत कर रहे हैं, बाईटी उन पर ध्यान क्यों नहीं देती, मतलब इस सब इस टाइप की चीजें ऐसे वायरल होती है, थंबनेल ने ऐसा घुसेड़ दिया कि बस। और मुझे तो लगता है ना, हम लोग किस्मत, हम जैसी जो सिस्टर्स हैं जो अपने साफ सुथरे ब्लॉग बनाती हैं, अपने एंजॉयमेंट दिखाती हैं, मुझे तो लगता है अगर हम ऐसी वीडियो भी डाल देंगे ना तो भी हम लोग भी वायरल ही होने वाली, क्योंकि लोगों पर ट्रिक है, पता नहीं क्या है, मुझे समझ में नहीं आता ये सब क्या दिखाना चाहती है। तो आप थंबनेल पर मन जाइएगा, थंबनेल मैंने इसलिए डाला है, बताइएगा इन लोगों का ब्लॉग किसी ने देखा है या नहीं, जिन लोगों का मैंने ये थंबनेल स्क्रीनशॉट लेकर ये थंबनेल लगाया है, बताइएगा। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं सही है, बताइएगा, जरूर अपने कमेंट दीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा।
और हम लोग लेडीज को तो क्या है, पूरे दिन काम ही काम है। बाकी जैसी चल रही है वह चलाइए, लेकिन कभी कभी गुस्सा इतनी आती है ना कि ब्लॉगिंग करना छोड़ दो, यूट्यूब छोड़ दो। इतनी मेहनत करने के बाद भी यूट्यूब क्या दे रहा है बताइए, हम लोग जैसे यूट्यूबर्स को, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते ना, ऐसी वीडियो नहीं। कभी गुस्सा आती है कि हम लोग भी ऐसी वीडियो डालना शुरू कर दें, मैं भी वैसी वीडियो डालना शुरू कर दूँ, वायरल रातों रात हो जाएगी, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो पता नहीं कैसे कैसे उन लोगों के हस्बैंड कुछ नहीं कहते हैं, उनके बच्चे हैं, हस्बैंड है, घर में फैमिली मेम्बर्स हैं, और वो लोग पता है नॉर्मल फैमिली की, ऐसे गांव की या वैसे नॉर्मल गरीब घर, तो वो कहते हैं गांव में इस टाइप के कल्चर होते हैं, घूंघट में रहना इस टाइप के, फिर भी उनके पति लोग और घर वाले कैसे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है किस टाइप से। और पता है मिडिल क्लास फैमिली, हम जैसी जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली की रेड होती है, क्योंकि हम लोग ना ही ऐसा दिखा सकते हैं ना ही कर सकते हैं, या तो बहुत हाई स्टैंडर्ड का इंसान इस तरह से गंदापन दिखा सकता है, या बिल्कुल लो स्टैंडर्ड का। मिडिल क्लास जो होते हैं ना, वो बस बीच में लटके ही रह जाते हैं, कुछ बस का नहीं है। वो अपनी मिडिल, ये देखिए दाल वगैरह भी कितनी रखी हुई है ना हमारी उड़द की, काली काली दाल मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा उठती है, बताइएगा आप, सबसे ज़्यादा दाल मेरी काली उड़द की और मसूर की दाल उठती है। तो ये सब पहले हम डिब्बे में लगा लेते हैं। तो बताइएगा मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है, और मेरी बात आपको कैसी लगी, कौन कौन मेरी बात से सहमत है जहाँ तक है बताइएगा जरूर, ठीक है ना, कमेंट्स दीजिएगा प्यारे प्यारे। मैं अपना जब तक काम फिनिश करती हूँ उसके बाद आपसे हम मिलते हैं। हमारा सामान लगभग भर चुका है और आटा हमने ये लौट दिया है। मैं हमेशा आटा जब ख़त्म होता है ना तो उसको कटर को धो करके तब भरती हूँ, देखिए आटा। तो ये आटा मेरा भी भर चुका है, बाकी सामान ये डिब्बा वगैरह कार्डबोर्ड रख दूँगी उठा के, और ये सब अब सफाई में डाल रही होगी, सब सफाई हो जाएगी अच्छे से, सामान भर गया फाइनली। अब हम किचन में जाकर अपने खाने की तैयारी करेंगे, और तब तक खाने का भी टाइम हो ही जाएगा, 3 बजे से पहले संडे में हम लोग खाना नहीं खाते, क्योंकि नाश्ता भी उठे भी देर से और 11 बजे हम लोगों ने नाश्ता किया है। तो अब खाने की लेकिन सब्जी वगैरह काटने पीटने की तैयारी करेंगे, मेड आएगी तब तक सब सफाई हो जाती है। मेड मेरी ऐसे टाइम मैं देर से बुलाती हूँ, क्योंकि देर से इसलिए बुलाती हूँ ना, जब देर से आती है तो मेरा काम अच्छे से साफ सफाई बढ़िया निबट जाती है, तो मॉर्निंग में झाड़ू पोछा करा लो ना तो चला फ्राई, नहाने धोने के बाद सब वैसा होने लगता है, इसलिए मैं बाद में ही कराती हूँ। तो बस ये काम हो चुका, ये काम भी बहुत है, राशन पहले लिखो फिर भरो। हाँ इसको मेड को दे देंगे धोने के लिए, धो देगी अच्छे से, आ रही होगी। कितने अजीब लोग हैं, बात पकड़कर लोग छोड़ देते हैं। तो इस समय बज गया दोपहर का 2:30 और मैं किचन में आ गई हूँ, मैं बना रही हूँ अब दाल चावल सब्जी रोटी का फॉर्म कैंसिल। आज बनेगी अरहर की दाल की खिचड़ी और चटनी बना रही हूँ, देखिए पुदीने की चटनी, इसमें आम हरी मिर्च और नमक डाल दिया, ये पुदीना की चटनी है, मैं बस पीसूंगी। और देखिए अरहर की दाल और चावल भीगे हुए हैं, इसमें प्याज का और जीरे का तड़का लगाऊंगी। ये यार कौन कौन बनाता है अरहर की दाल की खिचड़ी, ठीक है ना, कमेंट्स करके बताइए किसको पसंद है। तो अरहर की दाल की खिचड़ी में प्याज और जीरा और एक दो खड़ी काली मिर्च वगैरह जो भी आप डालें, तो अरहर की दाल की खिचड़ी बहुत मस्त लगती है। और मेहुल के लिए इधर बनना है चावल धुली दाल से, वो ये खिचड़ी नहीं खाते हैं। तो आ जाइए खा लीजिए यम्मी सी खिचड़ी अरहर की दाल की, इसमें हम देसी घी डालते हैं और पुदीने की चटनी है और अचार है मिर्च का, ये डेली में ना हम अचार छोटे में निकाल लेते हैं जिससे अचार खराब, ये मिर्च का है, आम का भी अचार है, तो अनूप जिसका टेस्ट करना चाहेंगे ऐसे ही डिब्बे रख देते हैं, निकाल लेते हैं। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए चुन्नू से, उनकी ड्यूटी है सुबह शाम 3 टाइम इन्हें खाना खिलाना पड़ता है, और एक उसमें डिब्बे में रख दिए खिला के मैं उन्हें, ये देखिए आवाज़ करना है कूं कूं, इस तरीके से मेउल खिलाता है खाना, और सिरिंज है इससे पिलाएगा पानी, इससे ना पानी पिलाता है। तो इन्हें 30-30 दाने 3 टाइम दिए जाते हैं, तो इनका भी डेली का मेउल मॉर्निंग में 8 बजे, दोपहर में 3 बजे और रात में 8 बजे खाना देते हैं मेउल। मुझे तो छू नहीं मिलता है, मुझे अजीब सा लगता है। तो फिर वीडियो अपने यहाँ पर ही एंड करूँगी, और मिल लीजिए हमारे प्यारे से मिट्ठू से। तो मेरा ब्लॉग यहाँ पर ही एंड करूँगी, और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है बताइएगा आपको। तो बस कल मैं ब्लॉग लेकर आने की कोशिश करूँगी,
एक कॉम्पिटिशन स्पेशल कॉम्पिटिशन अनूप के साथ डालूंगी स्पेशल चीज का। कल मैं एक चैलेंजिंग वीडियो लाऊंगी अपनी और अनूप की। कल चैलेंजिंग वीडियो होगी, मस्त देखिएगा जरूर। किस चीज का चैलेंज है, किसी ने ये चैलेंज आज तक दिखाया नहीं होगा यूट्यूब पर।